हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मेरे वेल्वो मशीन का पंप, हाइड्रोलिक पंप का, इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई। एक चैन सिलो चलता है मेरा और स्वइंग एक सिलो है। आप लोग देख सकते हैं, मिस्त्री आ गया है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, हेल्पर है, ये खोल रहा है। यहाँ से प्लेट खोलेंगे, उसके बाद तेल निकलेगा। तो उसको रेगुलेटर वाल, इसका जो होता है ना दोस्तों, रेगुलेटर वाल, देखिए रेगुलेटर वाल खोल रहे हैं। वो रेगुलेटर वाल फंस जाता है कभी कभी। तो मेरा एक चैन सिलो चलता है दोस्तों, और स्वइंग सिलो चलता है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए अब तेल गिर रहा है, रेगुलेटर वाल खोल लिए हैं, खोल रहे हैं। अभी तेल गिर रहा है, खोल के मिस्त्री आए हुए हैं, मिस्त्री से कभी निकालेंगे। आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। देखिए रेगुलेटर वाल ही आ गया, यही देखो, ये यही फंस जाता है। तो मेरा एक चैन और स्वइंग सिलो हो जाता है, काम नहीं करता। एक चैन बहुत ज़्यादा भागती है, एक चैन कम भागती है। अब इसको खोल के इसको सफाई करेंगे, पेट्रोल से अच्छे से धोएंगे दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिए, ये धोएंगे, उसके बाद ये फिर दोबारा लगाएंगे, फिर देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। इसके बाद दूसरा वाला भी रेगुलेटर वाल खोलेंगे दोस्तों, आप लोग बने रहिए। देखिए दूसरा वाल इधर है, ये दूसरा है रेगुलेटर वाल, इसे भी खोलेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है। खैर मान लो अंदर वाला हमारा सिलो है, तो अंदर वाला खोल के उसको सफाई करेंगे, फिर लगाएंगे। अगर चल गया तो ठीक है। देखिए एक हमारा चेला है, दूसरा उस्ताद जी हैं, तीसरा उनका हेल्पर है, ये खोल रहे हैं। इसे खोलेंगे आराम से। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, स्वागत है। देखिए खुल गया है। अब इसका वायरिंग निकाल लें दोस्तों, वायरिंग निकालेंगे, वायरिंग प्यार से निकाल लेंगे, फिर दोबारा ही वायरिंग डालेंगे, क्योंकि ये कंपनी की ओरिजिनल वायरिंग है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। इसे वीडियो हम बनाते हैं, आप लोग मेरे चैनल को जाके देखिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे लोग निकाल रहे हैं, मिस्त्री आया हुआ है। हम लोग परेशान हो गए थे थोड़ा, हमने मालिक को बोला, मिस्त्री को बुलाइए। देखिए दोस्तों, देखिए आराम से, देखिए देखिए उसको निकालेंगे, उसका पिन जो है ना अंदर में, देखिए पिन रहता है, उसको पिन निकाल के सफाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग बने रहिए, आगे और भी नॉलेज मिलता रहेगा। उस्ताद जी ठोक रहे हैं पिचकर टाल के, अगर निकल जाएगा ठीक है, नहीं तो किसी और से चोट मारेंगे कस के, तब वो निकलेगा। और साफ करेंगे इसे पेट्रोल से अच्छे से। देखिए खुल गया। अब दूसरा वाला, एक पहले खोल चुके हैं, अब दूसरा वाला को खोलेंगे। देखिए निकाल रहे हैं, ये तो पेट्रोल से धो रहे हैं दोस्तों। कभी भी इसको रेगुलेटर वाल के खोलिए तो आप पेट्रोल से ज़रूर धोइए, आप बढ़िया से धो के उसे लगाइए, तब वो काम करता अच्छे से। देखिए बहुत अच्छे से धोए हैं, कचरा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, अच्छे से धो के फिर लगाएंगे। और बताइए।